की वीडियो में हम आपको बताने वाले किस तरीके से आपको फेसबुक अकाउंट को किस तरीके से आप परमानेंटली डिलीट करना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फेसबुक अकाउंट को एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है दोस्तों। ओपन करने के बाद आपको कुछ नया पेज ओपन होकर आ जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का दोस्तों। तो इस तरीके से आपको फेसबुक अकाउंट ओपन होने के बाद आपको डिलीट करना है तो आपको सबसे पहले आपको ऊपर थ्री डॉट वाला दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन आपको थ्री डॉट ऑप्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। थ्री डॉट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर आपको हिंदी में आपका डिलीट करना है तो हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपको इंग्लिश में बताना है किस तरीके डिलीट करना है तो दोस्तों मैं आपको अभी ये हिंदी सेलेक्ट मेरी हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट किस तरीके से डिलीट करना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर आपको पर्सनल नंबर आपको दिख रहा होगा निजी और अकाउंट की जानकारी के लिए इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ नया पेज ओपन होकर आ जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आपको आपको फोर्थ वाला ऑप्शन है अकाउंट की नोरशिप और इस पर कंट्रोल इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने में आपको ऊपर आपको ऑप्शन आया इस पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। गलत से अब आपको यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पर आपको देखो अकाउंट डिलीट करें तो आपको इस पर सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट पर बटन क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आपके दिख जाएंगे दोस्तों। आपको इसमें से कौन सा भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। मैं आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अकाउंट डिलीट करना जारी करना सीखे रखे इस पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा अकाउंट डिलीट करें इस पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। उसके बाद जो भी आपका फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड आपको डालना है यहाँ पर जो भी आपके फेसबुक अकाउंट हो आपको डिलीट कर रहे हो दोस्तों। पासवर्ड डालने के बाद आपको किस तरीके से आपको आगे करना है बता दे रहा हूँ मैं सारा प्रोसेस। हम दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको आगे वाले बढ़ना है दोस्तों। इस नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन हो जाएगा अकाउंट डिलीट करें इस पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। इस पर क्लिक करना आपका अकाउंट ये आपको दिखा रहा है दोस्तों। अगर आप अगले 30 दिनों के अंदर फेसबुक अकाउंट को अपने मोबाइल नंबर से अगर लॉगिन करोगे तो यह आपका अकाउंट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। 30 दिन के बाद करोगे तो यह परमानेंटली आपका अकाउंट 30 दिन के अंदर आपका बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आप 30 दिन से पहले इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। 30 दिन के बाद अगर इस अकाउंट को आप ओपन करोगे तो ये नहीं होगा दोस्तों, परमानेंटली डिलीट हो चुका होगा दोस्तों। दोस्तों आपका अकाउंट इस तरीके से डिलीट हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक किए दोस्तों, और हमें बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आपका अकाउंट डिलीट हुआ या नहीं हुआ दोस्तों। तो जब तक लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।